Assalamualaikum student, welcome to our third class English. I am your English teacher from United Public School, Tandur. Today we are start grammar and vocabulary. See here, a sentence can make a negative statement is called a negative sentence. A negative sentence has no or not in it. Okay. Example: I am not going to read my book. ओके ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं कर रहे हैं सो कामों को लिखते. ओके नो आई एम नॉट गोइंग टू रीड माय बुक, मैं नहीं जा रहा बुक पढ़ने के लिए. तो ये नहीं कर रहे सो काम है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस है ये. अगर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता? कर रहे सो काम आता. आई लाइक टू रीड माय बुक्स, आई एम गोइंग फॉर ए सिंग, आई एम कुछ अपन जो काम कर रहे हैं वो काम को बताने का रहता है पॉजिटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस में अपन नहीं कर रहे सो काम को. ओके आई एम नॉट गोइंग टू रीड माय बुक एंड आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना नहीं पसंद है. ओके टुडे वी सी द नेगेटिव सेंटेंस हाउ टू राइट. ओके सी द डिबेट, चेंज दी सेंटेंस into negative sentence, use the word in the boxes. Okay, कौन से सेंटेंस लिखना है अपन को? नेगेटिव सेंटेंस लिखना है. ये बॉक्स में के जो है ना वो उसको यूज कर लेते हुए लिखना है. ओके सी द फर्स्ट वन, यू शुड ईट जैकफ्रूट ऑफ्टन. ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस. इसको क्या करना अपन नेगेटिव सेंटेंस में? यू शुड ईट जैकफ्रूट ऑफ्टन. हम क्या है जैकफ्रूट खाते. जैकफ्रूट मीन्स मतलब पिज़्ज़ा वो रहते ना, ये कौन से फूड्स है? वो जैक फूड है. जो तो अब इसको क्या करना हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना. नेगेटिव में लिए थे क्या? तो यू शुड नॉट, यहाँ पर क्या ना नॉट, वी शुड नॉट ईट जैक फूड ऑफ्टन. ओके ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया. वी यू शुड नॉट ईट जैक फूड ऑफ्टन. ओके ओके You should eat jackfruit often. Negative में कैसा आता? You should not eat jackfruit often. Okay? Next see, second one. Manav and Samira visit their grandparent every weekend. Okay? Manav और Samira क्या करते हैं? हर हफ्ते के आखिर में अपने पेरेंट ग्रैंड पेरेंट से मिलने जाते. बोल के यहाँ सेंटेंस है. Okay? तो अपन को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखना है? मानव एंड समीरा डू नॉट विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड. वो लोग नहीं जाते हर हफ्ते के आखिर में ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने. ये सेंटेंस कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है. मानव एंड समीरा डू नॉट विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड. ओके वो लोग नहीं जाते वीकेंड्स में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए. ओके ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है. ओके नेक्स्ट सी थर्ड वन, नीता कैन सिंग वेरी वेल. ओके नीता कैन सिंग वेरी वेल. ये सेंटेंस में नीता बहुत अच्छा सिंग करते, गाना गाते, बहुत अच्छा गाते बोल के है. तो अपन को नेगेटिव में कैसा लिखना है? कैन नॉट यूज करना है ना ये वर्ड्स, कैन नॉट यूज करना. ओके कैन नॉट इसमें कौन सा आता है? कैन नॉट. ओके नीता कैन नॉट सिंग वेरी वेल. ये सेंटेंस में कैसा था? अच्छा गाते बोल गया. फिर अपन को क्या करना है? अपोजिट करना है, नेगेटिव में लेना है. तो क्या हो गया? नीता कैन नॉट सिंग वेरी वेल. ओके नीता बहुत अच्छा नहीं गाते बोल के लिखना है अपन. नीता कैन नॉट सिंग वेरी वेल. ओके नेक्स्ट, आई विल राइड माई साइकिल फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस हिल. ओके क्या है यहाँ पर? मैं साइकिल बहुत स्पीड से, हिल मीन्स पहाड़ ना, पहाड़ के ऊपर से ला सकती हूँ बोल के यहाँ पर. तो अपन सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कैसा लिखना है? आई विल नॉट राइड माई साइकिल फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस हिल. मैं हिल के ऊपर से साइकिल नहीं रह सकता. स्पीड
से नहीं लेके आ सकते, बोल के लिखे सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई विल नॉट राइड माई साइकिल फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस हिल। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड? दिस इज योर होमवर्क डीबीट। चेंज दिस सेंटेंस इंटू नेगेटिव सेंटेंस, यूज द वर्ड इन द बॉक्सेस। ओके, ये बॉक्सेस में के यूज करते हुए ये लिखना है। ओके, राइट नीटली एंड सेंड टू मी ग्रुप। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।